दोबारा कोर्सेज लेकिन फिर से फंस चुकी है। तो यार यहाँ पे तो पेड़ टूटा पड़ा है, नहीं जा पाएगा भाई नीचे। तो यार यहाँ पे अभी हमें मिली है स्ट्राइक बर्ड और यहाँ पे बैठी हुई है। हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डी जोन में आपका फ्रेंड दीपांकर। और दोस्तों स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। तो आज मैं आया हूँ थोड़ा सा ट्रैवलिंग करने और बर्ड वॉचिंग करने। तो काफ़ी टाइम के बाद यहाँ बारिश रुकी है, 3-4 दिनों से लगातार बारिश थी कंटिन्यू हल्द्वानी में। तो आज फिर मैं निकला हूँ, थोड़ी बहुत हम बर्ड वॉचिंग करेंगे। तो अब चलते हैं और आज का वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं, लेके चलता हूँ आपको लोकेशन में। तो ये कुछ ऐसा व्यू है आज, तो काफ़ी बादल वगैरह हैं। यार अभी दिक्षु भी अपने साथ आ चुका है और हेलो बोल रहा है भाई सभी को हेलो। तो भाई का भी बड़ा मन है मतलब फोटोग्राफी करने का ना, तो आज मैं सोच रहा हूँ कि इसको भी लेके चलते हैं, थोड़ी बर्ड वॉचिंग करते हैं और इसको थोड़ा कैमरे की सेटिंग वगैरह भी बताएंगे। और आज कई सारी फोटो तो ये दिक्षु खुद खींचेगा। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और आज एक तो मौसम बहुत सुहावना है। हाँ मौसम तो बहुत सही हो रखा है यार, अभी क्लाउड से ढका हुआ दिख जा रहे पहाड़ का भी। तो क्या कहते हैं फिर, चला जाए? चला जाए, बिल्कुल चला जाए। ओके तो अब हम चलते हैं अपने फील्ड की तरफ और मिलते हैं आप लोगों से थोड़ा सा आगे। उधर को यार अभी हम जा रहे हैं स्कूटी से और गाड़ी तो अपनी यहीं पार्क है, तो देखते हैं मतलब स्कूटी से भी मौसम तो सही है। तो यार रास्ता कुछ ऐसा सा है, ओ भाई तो मिलना मत बस नहीं जाएगी। आप राइट उठाना लेफ्ट राइट में तो अच्छा, यहाँ भी तो आया हूँ मैं पहले बर्डिंग में, कहाँ कहाँ आया यार। यहाँ नाला है नीचे, नाला क्या भागड़ा ही तो है, नाला नाला नहीं वाला भागड़ा है जितना। नहीं जा पाएगा भाई नीचे, चलो ट्रैश का ही भर सकते हैं यहाँ तो पाया नहीं। कौन मारा भाई? तो यार यहाँ पे पानी भरा है, मैं तो आ गया हूँ पैदल और दीक्षु अब स्कूटी से पार करेगा। भली का क्रॉस कर ऊपर से आ जाएगी ना, जहाँ से मैं पैदल आया हूँ थोड़ा दूर से लंबा चला के। तो यार स्कूटी तो हमारी यहाँ फंस चुकी है और यहाँ से आगे लग रहा है मुझे पैदल ही चलते हैं, फिर क्या करें। और दोबारा कोशिश लेकिन फिर से फंस चुकी है, तो उतर के फाइनली चढ़ी गई। तो यार यहाँ पे तो पेड़ टूटा पड़ा है, ठीक नहीं आई है यार कुछ, रात को आई होगी ये कल परसों इधर तक।
तो यहाँ पे एक रिवर है जिसका नाम है भाकड़ा, तो वो फुल फ्लो में है अभी। तो ये देख सकते हैं क्योंकि ज़्यादा आगे तो हम जाएंगे नहीं क्योंकि पानी कहीं से भी आ सकता है। और ये देखो यार कितना सुंदर वाइल्ड फ्लावर है यार, इसको देखने ना वहाँ चलते हैं, काम करते हैं। तो यार यहाँ तक तो आगे लेकिन स्टक हो गए हैं, देखो पेड़ भी टूटा पड़ा है। और यहाँ से आगे ना मतलब पानी का फ्लो आ भी सकता है क्योंकि पहाड़ों में तो लगातार बारिश है। तो हम यहाँ से आगे ना जाके एक काम करते हैं, वहाँ चलते हैं ब्रिज से देखते हैं कितना ज्यादा फ्लो है ना इसका। हाँ, ब्रिज में सही से दिखता भी है, तो ब्रिज से आपको दिखाते हैं ये रिवर का व्यू और उसके बाद चलेंगे हम आगे की तरफ। बारिश में लगी है तो देखो वापस कैसे आते हैं, बिना रुके आना भाई, इस बार फंसना नहीं है। ओहो गई गड्ढे पे ये। तो यार धक्का देके निकालनी पड़ेगी, तो ये यहाँ से तो हमने निकाल दिया। ये देखो ये डंडा कैसे अटका पड़ा है, इसको निकाल लेते हैं। तो यार फिर से बारिश आने लग गई है, तो बारिश का सिलसिला तो फिर से स्टार्ट हो गया है, लेकिन हम जस्ट पहुँच गए हैं। तो ब्रिज से हम वापस आ जाएंगे, ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे क्योंकि बारिश आ रही है, और वहाँ से रिटर्न हो जाएंगे। तो यार ज़्यादातर शांत रहने वाली है, देख सकते हैं मतलब कितना ज़्यादा वाटर फ्लो है। तो हम भी देख लेते हैं मतलब कि क्या है सीन। तो यार ये देखो मतलब पूरा पानी है ना यहाँ पे, और व्यू कितना अच्छा है, लेकिन मतलब यही है यार बारिश जल्दी से रुक जाए क्योंकि रेगुलर बारिश है कई दिनों से, और ऊपर पहाड़ों में तो अब बहुत ज़्यादा नुकसान होने लग गया है, और मैदानी इलाकों में भी मतलब ये बारिश से ना बाढ़ की खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो मैं प्रे करता हूँ कि जल्दी से जल्दी बारिश रुके। और ये देखो इस साइड भी इतना ज़्यादा पानी है, और मतलब बारिश ना सिर्फ इंसानों के लिए नहीं जानवरों के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि कई बार ना मतलब जो बर्ड्स के नेस्ट होते हैं वो उड़ जाते हैं, और जो जानवरों के घर होते हैं या जो जानवर होते हैं ना वो नदियों में बह जाते हैं, तो बहुत नुकसान होता है वाइल्ड लाइफ को भी। Feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. बारिश तो इतनी ज़्यादा हो रही है ना, लेकिन मतलब अब हम जा रहे हैं देखना भी ज़्यादा सही नहीं है, और भी स्टार्ट हो गई है, तो हमने मतलब थोड़ा बहुत देख लिया रिवर, और उसके बाद हम चल रहे हैं वापस। तो भाई तो पूरा भीग ही गया यार, वो आगे था ना, तो लेकिन अंदर थोड़ी ही होगा पूरा वही है, जैकेट है ये है ही ऐसा, दोनों काम आ जाता है, उनपे हवा चलेगी तो साथ ही सूख भी जाएगा। तो अब इसका काम भी काफी हो गया घर का, देखते हैं ये दिखाता है अपना घर। ये टाइल्स का काम तो हो ही गया ऑलमोस्ट, देखो छत भी कितनी अच्छी बना रही है ना, इसके अंदर लाइट फिट करेगा फिर। हाँ इसमें कोप लगेगी ना, कॉल उसके अंदर भी बीच में इसमें, हाँ ये लाइट्स हैं और बाकी इसके बीच में कोप आएगी दोनों साइड। ओके तो ये लॉग वो हो गए, ड्राइंग हॉल सेटिंग हो गया, हाई रूम लॉबी, ये देखो लॉबी, एक अच्छे से पूरा कंप्लीट अभी मंदिर हो गया रेडी, ये किचन है और लाइटिंग है, बट टाइल्स पूरी कंप्लीट, और मंदिर अभी रेडी कर दिया है, बहुत सुंदर है। पर ये ओम नमः इसमें स्वस्तिक स्वस्तिक। तो यार अभी चलते हैं, कुछ काम आ गया तो जाना पड़ रहा है, तो बहुत जरूरी काम है। बैठा है उसके ऊपर, वो ब्लैक काइट है शायद, उसको भी देखते हैं, शॉट लेते हैं हम यार। चल फिर देख, सो मिलते हैं फिर, ठीक है बेटा, ओके फिर मिलते हैं। तो यार अभी क्रॉस करते टाइम में ही मुझे ये दिखा, देखो ये तो पुराने शॉट्स हैं। तो ये है नेवला,
तो यार अभी हम शूट कर रहे हैं ब्लैक काइट, और उसके बगल में मैना है, तो एक साथ बैठे हैं मतलब ये भी ना। तो यार अभी तो हम चल रहे हैं ना, कुछ ज़रूरी काम आ गया कैफ़े का, तो फिर हम मिलते हैं किसी और दिन किसी और नए ब्लॉग में। तो आप चैनल में बने रहिएगा, चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए व्यूअर हैं, और मिलते हैं दोबारा। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।